हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौहान प्लैनेट वे राउंड से आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ छोटे से टिप्स। आप लोगों के पास 4x4 या SUV है और आप लोग प्लान कर रहे होंगे इस विंटर्स में स्नो में जाने का, बस मैं छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँगा जिसकी मदद से आपको कंफर्ट फील होगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ स्नो गोइंग इन अ डीपर कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द स्पीति और लद्दाख और कश्मीर वेयर इज़ द मिनिमम -20 degrees और 30 degrees टेम्परेचर। यू एंड योर व्हीकल विल बी फुली फिटेस्ट कंडीशंस। सो फॉलो माई टिप्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। पहले हम बात करेंगे इंजन की, हमें इंजन में क्या प्रिपेयर करना है जिससे हमारा इंजन ठंडी के अंदर आराम से स्टार्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डीजल इंजन के अंदर। डीजल इंजन्स, बेसिक डीजल इंजन्स के अंदर छोटी छोटी अल्ट्रेशन करनी पड़ती हैं और बहुत हाई एंड गाड़ियाँ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कूलेंट की। कूलेंट हमारी पाइप्स के अंदर जम जाता है अगर -4 degrees, 10 degrees या 20 degrees या 30 degrees आपकी गाड़ी है और रात के अंदर ये टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डाउन होता है और कूलेंट सबसे पहले जमता है। तो कूलेंट ना जमे अगर आपकी गाड़ी के अंदर, कूलेंट के अंदर पानी डला हुआ है तो वो कूलेंट जमने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। या तो आप इसको पूरे को ड्रेन करके नया कूलेंट डालिए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कीजिए। ग्लिसरीन की एक पूरी बॉटल 1 liter का 1 pound होता है 450 ml का, वो पूरा का पूरा इसके अंदर पोर कर दीजिए जिससे आपका कूलेंट कभी भी नहीं जमेगा और आपके कूलेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और गाड़ी आराम से स्टार्ट करेगी। उसके बाद आती है बैटरी। बैटरी हमेशा आपकी नई होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए, पानी उसके अंदर या एसिड उसके अंदर पूरा होना चाहिए। अगर आपकी बैटरी पुरानी है, चार्ज नहीं है, एसिड पूरा नहीं है तो आपको सुबह सुबह स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देगी। तो इसलिए जाने से पहले आपकी बैटरी को अच्छे से पहले चेक कीजिए। उसके बाद आता है हमारा वॉश वाइपर। वॉश वाइपर का पानी सबसे पहले जमता है क्योंकि ये सिंपल पानी होता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत साबुन होता है, ठीक है। तो वॉश वाइपर जमता है तो इसके अंदर हम अल्कोहल ऐड कर सकते हैं, देसी दारू, ठीक है। देसी दारू इसके अंदर 50% ऐड कर दीजिए। स्पिरिट ऐड कर सकते हैं, स्पिरिट हमारे पास है, हम स्पिरिट को ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा वॉश वाइपर कभी भी नहीं जमेगा क्योंकि जब आप स्नो में ड्राइव कर रहे हैं तो आपका शीशा बार बार गंदा हो रहा है और वॉश वाइपर पानी की जरूरत हमें पड़ती रहती है। वॉश वाइपर कभी भी जमे ना तो इसके अंदर हम डालेंगे अल्कोहल और आइदर स्पिरिट, जस्ट हाफ बॉटल इसके अंदर ये डाल दीजिए विद अ सोप कट। उसके बाद हमें डीजल के अंदर, आपकी डीजल गाड़ी है तो डीजल के अंदर एंटी फ्रीज डालिए। अगर आपकी नॉर्मल विदाउट सेंसर वाली गाड़ी है तो एंटी फ्रीज में एज ए एंटी फ्रीज आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं, पूरा फुल टैंक के अंदर 1 liter पेट्रोल या 1 liter केरोसिन डाल सकते हैं, बट सबसे बेटर रहेगा कि आप एंटी फ्रीज लीजिए। एंटी फ्रीज ईजिली अवेलेबल है, मेरे इस वीडियो के नीचे मैं कॉन्टैक्ट भेज रहा हूँ जहाँ से आप एंटी फ्रीज ले सकते हैं और यहीं से आप स्नो चेन भी ले सकते हैं। और स्नो चेन अगर आपके पास नहीं है तो जरूर ले लीजिए। आपकी किसी भी 4x4 SUV MEV छोटी कार, अगर आप आल्टो लेके जाने की भी प्लान कर रहे हो स्नो के अंदर, 6 inch से ज़्यादा स्नो है तब आपको दिक्कत है। अगर 6 inch तक स्नो है आप स्नो चेन लगा के आप आल्टो, मारुति, 800, स्विफ्ट किसी भी गाड़ी को लेके जा सकते हो। बस स्नो चेन होनी चाहिए, स्नो चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी 4x4 गाड़ी है और मैं स्नो चेन के बगैर कहीं भी जा सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। बहुत जगह ब्लैक आइस या फ्रोजन आइस होती है, वहाँ पर आपकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी, चाहे वो 4x4 है या कितनी बड़ी SUV है या जीप है या किसी भी तरह की गाड़ी है। तो स्नो चेन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे इस वीडियो के नीचे यहाँ पर मैं एक लिंक भेज रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके स्नो चेन खरीद सकते हैं अगर आप चंडीगढ़ के आसपास रह रहे हैं। और स्नो चेन में दो तरह की स्नो चेन रहती है, एक क्रॉस में रहती है जो आगे की तरफ लगती है और एक लंबी है जो पीछे की तरफ लगती है। आपके पास 4 का सेट है तो कोशिश कीजिए दोनों चारों सेट टायर में लगाइए। अगर आप 2 ही लगाना चाहते हैं तो क्रॉस में लगाइए। और स्नो चेन लगाने के बाद आप यू फील लाइक अ नॉर्मल ड्राइव इन अ स्नो, यू ड्राइव कंफर्टेबली एवरीवेयर इन अ स्नो, डीपर स्नो, आइस, ब्लैक आइस, स्लश, वेयर एवर यू आर ड्राइविंग। इवन अगर आपके पास स्नो चेन है और आप कहीं मड में या स्लश में भी फंस रहे हैं और स्पीडी हो रही है, देन यू पुट योर स्नो चेन ऑन योर टायर एंड यू फील कंफर्टेबल। इट्स नॉट ओनली फॉर अ स्नो, इट कैन वर्क इन अ मड एंड स्लशी एंड स्लिपरी टार्मैक आल्सो। आपके पास में एक जेरी कैन होना चाहिए आपकी गाड़ी में हमेशा जब विंटर्स में आप जा रहे हैं। इस जेरी कैन का फ़ायदा ये है कि बहुत सारी गाड़ियों के प्लास्टिक टैंक्स हैं तो आप उसको नीचे से गर्म नहीं कर सकते अगर आपका डीजल जम गया है या जम चुका है या जमने वाला है। तो जेरी कैन के अंदर आप डीजल डालिए 10 से 15 liter डाल के रखिए पहले से ही और इसको गैस पे, आग पे, स्टोव पे कैसे भी गर्म करके इस गर्म डीजल को आपके टैंक में डालिए, तब आपका जो स्टार्टअप है वो ईजी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रैंक के अंदर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी।
उसके बाद में आपके पास में एक टारपोलिन होना चाहिए, एक बॉडी कवर, जब भी आपने अपनी गाड़ी को रात को खड़ा करना है, इस बोनट को खोलना है, इसके नीचे आपने अंदर की तरफ कोई पुराना ब्लैंकेट या रजाई या कोई भी कंबल ऐसा कुछ डालना है, और ऊपर से ये तिरपाल डालनी है पूरी बॉडी को कवर करे और वो ग्राउंड तक कवर करे, क्योंकि गाड़ी के अंदर हवा नीचे से जाती है, खासकर विंटर एरिया में, विंटर के अंदर स्नो एरिया के अंदर हवा जब चल रही होती है तो गाड़ी नीचे से ठंडी होती है, तो आपने नीचे तक कवर करना है उसको, पत्थर से साइडों से दबाइए, पूरी की पूरी कवर होनी चाहिए। आपके पास में टो स्ट्रैप होना चाहिए, टो स्ट्रैप को आप कहीं भी गाड़ी फंस गई है गाड़ी को निकालना पड़ेगा तो ये टो स्ट्रैप उसमें हेल्प करेगा, टो स्ट्रैप हमेशा होना चाहिए। आपके पास में एक्स्ट्रा एक पंप होना चाहिए, आपको आपका स्नो के अकॉर्डिंगली आपको प्रेशर कम ज़्यादा करना पड़ रहा है और उस पंप के रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी आपको। एक शावल होना चाहिए, शावल से आप कहीं गाड़ी फंस गई है गाड़ी को निकालना पड़ रहा है, कोई बर्फ हटानी है, कोई ब्लैक आइस तोड़नी है, बहुत सारी जगह है जो शावल यूज होगा, तो शावल हमेशा होना चाहिए आपके साथ में अगर आप आइस एरिया में जा रहे हैं। आपके पास में एक दांत कुल्हाड़ी या कोई भी कटर ऐसी चीज होनी चाहिए, अगर आपको काटना पड़ रहा है, कोई लकड़ी काटनी पड़ रही है, कोई आपको पेड़ काटना पड़ रहा है जो रस्ते में आ गया है, या आपको आग जलाने के लिए कुछ काटना पड़ रहा है, तो ये अगर आपके पास होगा तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। थोड़ी कुछ बंजीज होनी चाहिए, जब आपने चेन लगाई है तो चेन को टाइट रखे, आवाज ना करे, तो ये कुछ बंजी रोप्स होती हैं जो हेल्प करती हैं, तो बंजी रोप्स होनी चाहिए आपके पास में, तो वो आपके चारों चेन्स को टाइट करने के लिए हेल्प करती हैं। बेसिक टूल किट होनी चाहिए, बेसिक टूल किट के अंदर आपको पता ही है बेसिक्स टूल किट आपके साथ होगी तो वो हेल्पफुल होगी, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो बेसिक टूल किट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रिपरेशन है जो आपको और ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, लाइक आपके पास स्लीपिंग बैग होना चाहिए। स्लीपिंग बैग का यूज़ बहुत सारी जगह आता है, आपने आप किसी रूट ऐसे पे गए हुए जहाँ पर आपको कोई होटल, गेस्ट हाउस, कोई धर्मशाला या कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपके पास में एक टेंट है, तो टेंट और स्लीपिंग बैग और मैट्रेस है, तो आप कहीं भी अपना टेंट लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है स्नोई एरिया है, -20 degrees आप बाहर लगाएं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग रहती है, कोई धर्मशाला की बिल्डिंग रहती है, कोई हॉल मिल जाता है, कोई गोडाउन मिल जाता है, पर अंदर आपका ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप वहाँ ग्राउंड में सो सकें, तो आप टेंट पिच करें, स्लीपिंग मैट लगाएं, स्लीपिंग बैग लगाएं और आप वहाँ आराम से सो सकते हैं। एक गैस स्टोव हमेशा रखें, गैस स्टोव पे आप कुक कर सकते हैं अपने खाने के लिए, थोड़ी मैगी, थोड़े बिस्किट्स, थोड़े टॉफीस, टी कॉफ़ी का सामान, सूप्स, ये हमेशा कैरी करें, ये आप कहीं भी कभी भी किसी भी कंडीशन में आप कुक कर सकते हैं, कहीं जाम लग गया है, रोड बंद हो गया है, आप आगे नहीं जा पा रहे हैं, आपको भूख लग रही है, एटलीस्ट आपके पास में स्टोव होगा, पैन होगा, तो आप अपना कहीं भी कुक कर सकते हैं बेसिक थिंग्स। अगर आप बाहर नहीं सो सकते हैं या सोना नहीं चाहते हैं, आपके पास टेंट नहीं है, तो आप नॉर्मल ब्लैंकेट और स्लीपिंग बैग कैरी कीजिए, गाड़ी के अंदर हीटर ऑन करके, गाड़ी स्टार्ट करके आप अंदर भी सो सकते हैं। तो दीज बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड ओनली फॉर द एमरजेंसी, नॉट फॉर एवरी टाइम, तो इन एमरजेंसी यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ द इक्विपमेंट विच यू विल कैरी फॉर द एमरजेंसी ओनली। तो अगर ये आपके पास होंगे तो आप कंफर्टेबली जर्नी कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप स्ट्रक हो जाएंगे तो क्या करेंगे, भूख लगी तो क्या करेंगे, गाड़ी फंस गई तो क्या करेंगे, ठंड लगी तो क्या करेंगे, तो आपके पास ये सारा इक्विपमेंट होगा, आप अपने आपको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर स्पीति या विंटर्स के अंदर कश्मीर या किसी भी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर माइनस और मिनिमम टेम्परेचर है, How you manage your vehicle and yourself over there. इसके अलावा हमारे कुछ fixed departures tours भी चलते हैं, if you like to be join that, you are welcome always. Please हमें like कीजिए, हमारे इस video को like कीजिए, subscribe कीजिए इस channel को, forward कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, कोशिश करते हैं हम आपको और अच्छे video देते रहें informatically for travelling, for extreme